साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। आगामी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्त थाना प्रभारियों, हल्का चौकी व बीट प्रभारियों को दिए निर्देश, का क्षेत्र में रहें भ्रमणशील। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। आगजन व गैंग बनाकर अपराध करने के आरोपियों के खिलाफ लगातार जनपद पुलिस कर रही कार्रवाई। डीडीयू कुलपति ने दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन। पार्षद व्यापारियों और प्रवर्तन दल प्रभारी विवाद, व्यापारियों ने महापौर को पत्र सौंप किया बर्खास्तगी की मांग। डीडीयू की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई संपन्न। सेक्स टॉर्चर सहित अन्य माध्यम से साइबर ठग कर रहे पैसों की डिमांड, एसपी क्राइम की अपील, कहा रहे सजग व सतर्क। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विशिष्ट व्याख्यान का किया गया आयोजन। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वाधान में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्मासिस्ट दिवस। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज मैदान में खेली जा रही 67वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में अंतर स्काई बास्केटबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग का हुआ समापन। दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं जयंती पर उनकी स्मृति में आयोजित संगोष्ठी, एकात्मक मानव दर्शन, एक संपूर्ण विचार का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक गोरक्ष प्रांत सुभाष जी द्वारा माता सरस्वती के मूर्ति पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया। संगोष्ठी कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए एकात्म मानव दर्शन, एक संपूर्ण विचार विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। हमारे
लेकिन मुझे ये मालूम है कि 40 मिनट का पीरियड होता है, उससे अधिक विद्यार्थी सुन नहीं सकते, उनको भी लगेगा कि जल्दी खत्म कर दें। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं तो खत्म कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं बोलूंगा तब तक आप निकल के बाहर आना चाहिए। सुनिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दीनदयाल जी का जो विचार है उसका नाम एकात्म मनोदर्शन। एकात्म मनोदर्शन शब्द सुनने के बाद में लगता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विचार जितना सरल है, जितना आवश्यक है, जितना प्रभावी है, उतना शब्द कठिन लगता है। मैं एक बार जनसंघ और उसके बाद उसका जो नया रूप है, नया कैलेंडर है, उसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं से पूछता हूं एकात्म मानववाद का। उन्होंने लिखे थे जो विदेशियत के प्रति श्रद्धा का भाव था उसको खत्म होना चाहिए, देश के प्रति श्रद्धा का भाव आना चाहिए। और इसलिए जो प्रधानमंत्री का निवास स्मारक था उसको सेवन रेस्कोर्स बोलते थे। अब ये सेवन रेस्कोर्स क्या है, कुछ शब्दों के तो अर्थ ही पता चल सकते, आज प्रासंगिक भी नहीं। तो उस समय जो सरकार ने सोचा कि इसको तो नाम बदल करके दूसरा नाम देना चाहिए, तो उन्होंने नाम देना शुरू किया एकात्म मानववाद मार्ग। जब उन्होंने एकात्म मानववाद मार्ग इसका नाम देंगे तो स्वाभाविक है कि भारत में नहीं होंगे तो पूंजीवादी, साम्यवादी। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, हल्का चौकी व बीट प्रभारियों को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर जहां भी धार्मिक आयोजन किए जाने हैं उन आयोजन समितियों से संपर्क साध आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे व मेल मिलाप के साथ सकुशल संपन्न कराएं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को, हल्का प्रभारी, चौकी प्रभारी और बीट प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर के पुलिस की प्रेजेंस और विजिबिलिटी बढ़ाएं। जहाँ जहाँ ये आयोजन होने हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभी से अपना ड्यूटी चार्ट तैयार कर लें। जो आयोजन करता है उनके साथ संपर्क में आकर के आयोजन के संबंध में सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लें। पारंपरिक रूप से जिस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं उसी तरह से इस बार भी मनाए जाएं। कोई भी नई प्रथा, कोई भी नया रूट या कोई भी नया आयोजन इसमें अलाउ ना किया जाए। पीस कमेटी की बैठक सब जगह हो गई है और किस तरह से इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए उसके लिए सभी निर्देश जो है वो सभी जारी कर देंगे। सर, जुलूस भी निकलेगी, कोई अलग टीम भी लगाई जाएगी? देखिए, जुलूस के साथ साथ सभी जुलूसों के साथ पुलिस फोर्स रहेगी, अधिकारी क्षेत्र में रहेंगे, CCTV कैमरा, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी से भी उसकी निगरानी की जाएगी। कोई भी अराजक तत्व अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे महान विचार के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की मौजूदगी में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर व श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर आज की भाजपा के उत्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अमूल्य योगदान रहा। मुगलों और अंग्रेजी शासन में भारत की सभ्यता, संस्कृति और धरोहर को मिटाने का कार्य किया गया था। आजादी के बाद बनी भारत की नीतियों के कारण यह संकट यथावत जारी रहा। ऐसी स्थिति में चिंतित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी, निरंकार त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर के लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, हम सब लोग जिनके नेतृत्व में पूरे गोरखपुर क्षेत्र में मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे अपने लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय सहजानंद राय जी, गोरखपुर क्षेत्र के हम सब के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीवास्तव जी, गोरखपुर क्षेत्र। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया, उस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, आदरणीय राहुल जी और तमाम एक शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता एकत्रित होकर के जिस विचार को लेकर के काम करने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं, ऐसे मनीषी और एकात्म मानववाद के प्रणेता अंत्योदय सिद्धांत के प्रतिपादित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर हम लोग एकत्रित होकर के आज उनकी भव्य तरीके से जयंती मनाए हैं और आगे इस पे हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो जो विचार है उस विचार को संकल्प लेते हुए समाज जीवन में काम करने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करें, क्या क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना? मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर अपने गोरखपुर क्षेत्रवासियों को विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूँ, समाज जीवन में जो भी काम करने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन विचारों को पढ़ें और पढ़ने के बाद भी समाज जीवन में जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको एक नई दिशा मिलेगी। अब मुझे आशा और विश्वास है कि आज जिस तरीके से उनके नेतृत्व में, उनके विचार के नेतृत्व में चलने वाली हमारी भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, उनका जो सपना था समाज के उस अंतिम व्यक्ति को उत्थान के लिए, तो हम सब कार्यकर्ता उस विचार को मानते हुए समाज के उस अंतिम व्यक्ति को उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में आदतन अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट, हिस्ट्री शीट खोलना, गुंडा एक्ट सहित अन्य कार्यों के तहत ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही उनकी संपत्तियों के जब्तीकरण को लेकर भी जनपद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, शासन के निर्देशानुसार लगातार जो आदतन अपराधी हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्री शीट खोलने का जो प्रक्रिया है, गुंडा एक्ट के तहत और विभिन्न अन्य कार्यों के तहत जो ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, 14(1) गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत उनकी संपत्ति जब्तीकरण के लिए भी लगातार निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में भी जो भी इस तरह के अपराधी गैंग बना करके आदतन अपराध से धन अर्जित करेंगे, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सभी विभाग अध्यक्ष, प्रोफेसर व शिक्षिकाएं मौजूद रही। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीडीओ कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया, उनको दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे हमारा विश्वविद्यालय भी है
और आज इनकी जयंती है तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। पार्षद व्यापारियों और प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल डीके सिंह के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते रविवार को नगर निगम की प्रवर्तन दल टीम व प्रभारी कर्नल डीके सिंह द्वारा ट्रांसपोर्ट पर व्यापारियों का पैकिंग मटेरियल यह कहकर रोक लिया गया कि यह सिंगल यूज पॉलिथीन कैरी बैग है। व्यापारियों पर पैकिंग मटेरियल के संबंध में GST पेपर आदि दिखाए गए और कहा गया कि यह प्रतिबंध नहीं है या केवल पैकिंग मटेरियल है। प्रवर्तन दल प्रभारी द्वारा व्यापारियों का अपमान किए जाने के विरोध में नगर महापौर कार्यालय पहुंचे प्रवर्तन दल प्रभारी के खिलाफ पत्रक सौंप कार्रवाई करने का व बर्खास्तगी की मांग की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पैकिंग मटेरियल के अध्यक्ष पवन टेबरीवाल ने बताया, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के नगर निगम से पोषित जो है ये कर्नल डीके सिंह जी हैं, जो आउटसोर्सिंग से हैं, वो अतिक्रमण विभाग के वो प्रमुख हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे कुछ व्यापारियों का पैकिंग मटेरियल रोक लिया यह कह करके कि यह सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग है। व्यापारियों ने वहाँ जा करके उनको उसका पेपर दिखाया, GST रजिस्टर्ड पार्टियाँ थी, पेपर दिखाया गया, ये प्रूफ किया गया कि नहीं ये प्रतिबंधित नहीं है, ये पैकिंग मटेरियल है। बहुत जद्दोजहद के बाद वो माने इस बात को, लेकिन इस सब के पूर्व उन्होंने पहले अपने स्तर से जितना व्यापारियों का अपमान किया वो एकदम घोर निंदनीय है। और साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद वहाँ पर थे, उनका भी उन्होंने बहुत ही घोर अपमान किया। जबकि लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कर्नल साहब के हिसाब से वो जो चाहेंगे वो होगा, उनका हिटलर शाही चलेगा। अगर वो चाहेंगे किसी को गोली मारना तो गोली मार दें। सारा गोरखपुर का व्यापारी समाज आज माननीय योगी जी के साथ हर क्षण खड़ा रहता है, हर पल खड़ा रहता है और जन तन मन धन से खड़ा रहता है। उसके बावजूद व्यापारियों का इस तरह से अपमान, सार्वजनिक रूप से अपमान करना और वो भी बिना किसी दोष के, अगर मेरा गुनाह हो आप मुझे अपमानित कर रहे हैं तो एक बार समझ में बात आती भी है ना, जनप्रतिनिधि का कोई दोष था न व्यापारियों का कोई दोष था, और इतनी बुरी तरह से उनको अपमानित किया गया। आज भी व्यापारी समाज शर्मिंदा महसूस कर रहा है अपने आप को। हम किसी भी कीमत पर इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो है एकमात्र उद्देश्य, सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य है कि कर्नल डीके सिंह को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। विकास भवन सभागार में DDO राजमणि वर्मा के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लेकर व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार व शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को दिए जाने की बात कही गई। बैठक में CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, SIC डॉ. राजेंद्र ठाकुर, महिला SIC डॉ. जय कुमार, एडिशनल CMO डॉ. अरुण कुमार चौधरी सहित सभी लोग मौजूद रहे। तो ये अगर पूरा हो जाएगा तो हमारे जो जनपद का है वो सारे काम चला जाएगा। इसमें क्यों नहीं है, इसमें हमारे लॉजिस्टिक क्यों नहीं है इन लोगों के पास? सर हम लोग बाइफर्केशन करते थे, वेइंग मशीन 7% अवेलेबल मापा जाता है, सर उपलब्ध है BP मशीन या BP लिया जा रहा है, तो आप देखेंगे अपने ही जिले साइबर अपराधों के प्रति जनता को सजग व सचेत रहने की अपील साइबर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। ऐसे में साइबर ठगी नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं।
कभी अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर तो कभी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो से छेड़छाड़ कर रिश्तेदार बताकर पैसे आदि की डिमांड की जा रही है। वहीं सेक्स टॉर्चर के माध्यम से भी लोगों को डरा धमका कर व वीडियो रिकॉर्ड कर पैसे की मांग की जा रही है, जिससे बचने की लगातार अपील साइबर थाने की पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, अपना प्रोफाइल चेंज करके मतलब अपने आप को कुछ और बता के, कभी क्राइम ब्रांच में बता के, कभी अपने आप को जिसको कॉल करते हैं उसका रिश्तेदार बता करके और उनसे पैसों की मांग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसकी आईडी हैक कर ली, जैसे पहले होता था, अभी क्या करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो उनके रिश्तेदार की आवाज़ बना करके उसमें बात करते हैं और इस तरह से जो सामने वाला है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि ये रिश्तेदार बोल रहा है या कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है। तो ऐसे मामलों में मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि यदि आपके पास ऐसा कोई कॉल आए जिसमें आपके रिश्तेदार की आवाज़ हो और आपसे पैसे की डिमांड की जाए तो आप थोड़ा सतर्क रहें और जो रिश्तेदार का आपके पास नंबर है उस पर कॉल करके एक बार उसको वेरीफाई कर लें कि उसी रिश्तेदार ने आपसे पैसे मांगे हैं, क्या उसको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा, ये जैसे एक सेक्सटॉर्शन का मामला है जिसमें कोई वीडियो कॉल करता है आपको और उधर से आप भी आपकी भी जो एक्टिविटी आप करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके एवज में आपसे पैसे मांगते हैं उसको वायरल करने की धमकी दे करके। एक ऐसा भी कुछ प्रकरण आए हैं जिसमें इस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, उधर से वो कोई पॉर्न वीडियो प्ले करते हैं और इधर से आपकी जो एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड कर ली जाती है। उसके बाद आपको कॉल किया जाता है कि जो लड़की थी वीडियो में उसका वीडियो वायरल हो गया है और उसने सुसाइड कर लिया है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरह की तस्वीर वो आपके प्रेषित करते हैं कि आपको वाकई में लगता है कि वो लड़की ने सुसाइड कर लिया है और फिर उस मामले को मैनेज करने के लिए वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता है इसमें ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आया आप तत्काल SP क्राइम ऑफिस, साइबर सेल या साइबर थाने को कॉन्टैक्ट करिए, हम लोग आपकी सहायता करेंगे और जितनी जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हम केस को क्रैक कर पाएंगे और जो भी आपको धमकी दे रहा है या परेशान कर रहा है उस तक पहुंच पाएंगे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर विशिष्ट व्याख्यान विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार दर्शन का आयोजन किया गया। विशिष्ट व्याख्यान में मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने उक्त विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व व कृतित्व की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को महाविद्यालय परिवार की तरफ से अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, कार्यक्रम संयोजक इंद्रेश कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। मित्रों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। और यूं कहें तो नए भारत के निर्माण के पथ प्रदर्शक, हम लोगों के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो पवित्र जन्म दिवस देश ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री उसके रहने वाले थे, वहां पैदा हुए थे और बाकी इतिहास आप सामान्य रूप से जानते ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि रही।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया। आज का ये कार्यक्रम एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता और अंत्योदय की विचारधारा को भारत में लोकप्रिय करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। उस जयंती के अवसर पे महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा उनके विचार दर्शन पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए हैं, और सारे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान विभाग से संबंधित उनके विचारों से, उनके मार्गदर्शन से आज लाभान्वित होंगे। नगर पालिका के नव निर्मित सभागार में अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में देशी हित और समाज में फार्मेसी के योगदान की जमकर सराहना की। फार्मेसी क्षेत्र में हो रहे नित नए आविष्कारों के बारे में बताया गया और चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में फार्मासिस्ट के योगदान पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश पांडे व कार्यक्रम का संचालन मंत्री ब्रजेश गुप्ता ने किया। डॉक्टर थोड़ा और पास ना जाइए, डॉक्टर थोड़ा पास ना जाइए। अरे भैया, अरे खड़े रहिए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। डॉक्टर आप ध्यान लगा लीजिए, बजाइए डॉक्टर ताली। उपस्थित है, मैं आपका हृदय से इस सभागार में आप स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदर उतना करीब आ जाए, बाकी लोग ताली बजा लीजिएगा। चलिए ताली बजा दिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ताली बजाइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया। का दिवस है और आज इस कार्यक्रम को मनाने के लिए सभी जिले के आदरणीय फार्मासिस्ट बंधु यहाँ उपस्थित हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद हैं, और जो दवा व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष और मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि फार्मासिस्ट एक ऐसा शब्द है जिसकी आवश्यकता अगर कही जाए समाज में तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल ये दवा निकाल के दे देने का कार्य है, ये एक मरीज को और डॉक्टर के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, ये लिंक होता है। और सारी चीज़ों को अगर हो सकता है कि डॉक्टर अगर समयाभाव के कारण अगर कहीं ना समझा पाया हो तो उसको विस्तृत तौर पर उनकी जानकारी देते हैं और मरीज को आश्वस्त करते हैं कि जो है ये दवा उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेशेंट की काउंसलिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसके लिए दवा खाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो दवा लेना और ये दोनों कार्य के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका ये निभाते हैं। आज के दिवस की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं 67वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के 18 मंडलों व स्पोर्ट्स कॉलेज की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। यह प्रतियोगिता दो वर्गों में आयोजित की जा रही है, जिसमें अंडर 19 व अंडर 14 की टीमें शामिल हैं। Gracias.
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के क्रीड़ाध्यक्ष डॉक्टर अरुणेंद्र राय ने बताया। 67वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता चल रही है राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहां पूरे प्रदेश से 18 मंडलों और स्पोर्ट्स कॉलेज की टीमें भाग ले रही हैं। ये दो वर्गों में प्रतियोगिता चल रही है, एक अंडर 19 और अंडर 14। आज दूसरा दिन है और संयोग ऐसा है कि प्रकृति भी साथ दे रहा है, टीमें बहुत अच्छे अपना प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ के मैदान में। कितनी टीमें भाग रही हैं? कुल 18 मंडल और 3 स्पोर्ट्स कॉलेज, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग, कुल 21 दिन 42 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल कब होगा? फाइनल 27 को खेला जाएगा इसका। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के अंतर संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में विधि संकाय ने कला संकाय को तथा महिला वर्ग में विज्ञान संकाय ने कला संकाय को हराकर जीत दर्ज किया। पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि एनसीसी गोरखपुर के डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल विशाल दुबे ने विजय प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य आर एन सैमुअल, शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जेवियर मारिया राज, डॉक्टर जिला ललित चौधरी, डॉक्टर जे के पांडे, डॉक्टर अमित मसीह सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। अभी गेंद लॉफ्ट एंड के पोजीशन में सुमन सोनकर ने गेंद को उठा रहा है, लेकिन गेंद रिंग से लगकर विरोधी खेमे में 8 विकेट की तरफ से एक बेहतरीन खेल देखने को मिलता हुआ लगातार संघर्ष करते हुए लॉफ्ट एंड के खिलाड़ी और लॉफ्ट एंड के सत्यम ने पास किया अभिषेक सिंह राजपूत को। अभिषेक सिंह राजपूत ने गेंद गंवाई और वापस से गेंद दिव्यांशु 8 विकेट के पास, दिव्यांशु ड्राइव पर, दिव्यांशु ने जोरों से शूट किया के खिलाड़ी लाल पड़क पड़ कर हो गई है 3 पॉइंट। शुक्रिया करूंगा इन दर्शकों का जो भारी से बॉल उसके हाथ से टूटी, लेकिन एक संदीप की तरफ से एक बेहतरीन पास बॉल पकड़ कर ले और बेहद। दिन भर में बस इतना ही, आई नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। आगामी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्त थाना प्रभारियों, हल्का चौकी व बीट प्रभारियों को दिए निर्देश, कहा क्षेत्र में रहें भ्रमरशील। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। आगजन व गैंग बनाकर अपराध करने के आरोपियों के खिलाफ लगातार जनपद पुलिस कर रही कार्रवाई। डीडीयू कुलपति ने दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन। पार्षद व्यापारियों और प्रवर्तन दल प्रभारी विवाद, व्यापारियों ने महापौर को पत्रक सौंप किया बर्खास्तगी की मांग। डीडीओ के अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई संपन्न। सेक्स टॉर्चर सहित अन्य माध्यम से साइबर ठग कर रहे पैसों की डिमांड, एसपी क्राइम की अपील, कहा रहे सजग व सतर्क। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विशिष्ट व्याख्यान का किया गया आयोजन। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्मासिस्ट दिवस। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज मैदान में खेली जा रही 67वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में अंतर स्काई बास्केटबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग का हुआ समापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।